यस चलिए, शत्रु शमन का जब बताया तो शत्रु शमन से ही शुरू करते हैं। सब लोग लिख लेना, सब लोग, सबके लिए चलेगा ये। सबसे पहला आप लोग खुद जो है बगलामुखी माता का ध्यान कर सकते हैं। बहुत आपको इंटरनेट प्रोसेस मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट टू शॉर्टेस्ट प्रोसेस, ठीक है। बगलामुखी यंत्र भी अवेलेबल है, उसको भी आप खरीद के सबसे पहले आप एक काम करना, मालपानी जी, आप सबसे पहले करना, एक बगलामुखी का यंत्र मिलेगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है rudrapooja.com, ठीक है, rudrapooja.com। गुजरात की कंपनी, बहुत अच्छी है, जेन्युइन कंपनी, मैं उस वहीं से मंगाता हूँ। उस बगलामुखी यंत्र को सबसे पहले घर में ले आना, और अमावस वाले दिन बगलामुखी माता को की का आह्वान करके, मनी मन आवाहन करके, बहुत जितना शॉर्टेस्ट पूजा हो, थोड़ा बहुत नैवेद्य, मतलब खान प्रसाद रख के एक सरसों के तेल का दिया जला लेना, और बगलामुखी मंत्र का 1008 1008 मंत्र लगातार 21 दिनों तक पाठ करना, पॉसिबल है अगर तो, ठीक है। जितना हो सके सिंपल विधि, बहुत ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं है। वो यंत्र लाके मंदिर के सामने रखना, अपने भगवान के मंदिर में रख के, और ये काम आपको करना है शाम के समय, सूर्य ढलने के बाद, ठीक है। अमावस तिथि, अमावस होनी चाहिए, अमावस तिथि में, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है, काली माता का कहीं भी मंदिर मिले, माँ काली का मंदिर, उस दिन हर अमावस को आपको पूजा करना है, क्योंकि काली माता का मंदिर अगर आपको मिल जाता है तो हर अमावस की रात को वहां पर पूजा और यज्ञ होता है, होता ही है ये, मतलब नहीं तो वो माता का मंदिर सिद्ध नहीं होता, ठीक है। वहां के जो हवन, जहां पे हवन होता है, हवन का जो राख होता है वो आपको एक थोड़ा सा उठा के पुड़िया में लेके आना है, उसका तिलक लगाना है। जब भी घर से बाहर निकले, उस हवन का जो राख है उसका तिलक लगाकर निकले, भस्म का तिलक। ठीक है, शत्रु बाधा का, शत्रु विरोध का सबसे बड़ा उपाय है ये। माँ काली को शरण में, मतलब दिमाग में रखते हुए, माँ काली का वो उग्र रूप जिसमें वो शुंभ निशुंभ को काट रही है, वैसा वाला उग्र रूप दिमाग में रखते हुए उस राख का तिलक या भस्म का तिलक लगा के फिर बाहर निकलना। दैट गिव्स मोर प्रोटेक्शन देन एनी अदर थिंग, ठीक है। दूसरा है बजरंग बाण। बजरंग बाण को आपको सिद्ध करना है 108 बार पाठ करके, ठीक है। और एक है जो हनुमान जी का बीज मंत्र है, वो है फ्रॉम फ्र फ्र हाँ प फ होता है, फ प फ वाला फ, फ्रॉम 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 करके आपको उसको सिद्ध करना। अगर 1,25,000 जाप खुद बैठ के कर सके तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। फ्रॉम, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, बगलामुखी हो गया, हाँ। ये आपको एक एक बार ये करना है, शमशान, ऐसा शमशान देखना पड़ेगा जहां पर माँ काली हो। काली माता बहुत इंपॉर्टेंट है, शमशान काली बोलते हैं उसको, ठीक है। शमशान काली में जाकर अगर ये आपको, आपने ये वो कर दिया, मतलब हम लोग जैसे मन्नत मांगते हैं ना, मन्नत मांगा जाता है, तो शमशान काली में जाके आप मन्नत मांगते हैं, माँ काली से कहते हैं कि मेरा प्रोटेक्शन कर दो,
तो मैं अपने चेस्ट का खून दूंगा थोड़ा सा, जो शत्रु का शमन कर दो, तो मैं अपने चेस्ट का खून आपको दूंगा। उसमें होता ही है, जैसे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है आपका शत्रु खत्म हो जाता है, आपको जस्ट एक नया हल्का सा छोटा सा ब्लेड लेना है, अपना चेस्ट में हल्का सा टच करके थोड़ा सा खून निकाल के उसको शमशान काली के पास टच करना है, सिर्फ थोड़ा सा, एक बूंद भी गिरा के आना वहां पे। ये ऐसा तगड़ा है, ये थोड़ा सा तंत्र टाइप हो जाता है, लेकिन ये बहुत तगड़ा उपाय है। फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नोबडी नोबडी कैन टच यू, इतना तगड़ा उपाय है। अगर ये पॉसिबल नहीं होता है आपसे, कोई इशू नहीं है, कम से कम बजरंग बाण का पाठ उसको अगर सिद्ध कर लें 108 जाप करके, तो वो भी बहुत तगड़ा हनुमान जी का प्रोटेक्शन है। सर, लेकिन मेरे पीछे जो लगा है ना वो तांत्रिक है, तीन तीन तांत्रिक है। मतलब आप समझ लीजिए, एक तो यूपी का बड़ा तांत्रिक है, एक राजस्थान का है और एक इधर का है, बम्बई का है। तो तीनों जन सर हर मंगलवार शनिवार अमावस पूनम दिवाली होली, और अभी आपको मैं बताऊं कि मैं रास्ते पे खड़े खड़े गिर गया, ऐसे खड़े खड़े ढप से गिर गया रास्ते पे। तो वाइफ थी साथ में तो लेके आई, वाइफ की दोनों आंखें डैमेज कर दी, कामकाज पूरा बंद है, पूरे पैसे अटके हुए हैं सर मेरे। तब आप आपके घर बिल्कुल में देखिए, सुनिए 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 सुनिए, इतना जब उच्चाटन हो रहा है, उच्चाटन बोलते हैं इसको, ये जो अगर उच्चाटन हो रहा है, तो सबसे पहले अपना घर चेक कीजिए। अपने घर में जितने कोने हैं, जितने कोने इंक्लूडिंग कवर्ड का कोना, सब कुछ वहां देखिए, कुछ पड़ा हुआ तो नहीं है, चेक कीजिए पहले अपने घर पे, ठीक है? आपके चौखट पे, चौखट के ऊपर कुछ चिपका तो नहीं के गया, लगा के कुछ तो नहीं गया कुछ, क्योंकि ये जब हो रहा है इसका मतलब क्या होता है ना, जैसे अपना रिमोट कंट्रोल होता है ना, ऐसा अपना दूसरी जगह से बटन दबाते हैं तो इधर काम चलता है। अच्छा सर, इसमें भी एक चीज वो है कि मेरा लड़का जिम जाता है, उसके जो अंडर गार्मेंट्स है वो है ना चोरी करके ले गए उसकी मामी। अब बताइए, हम लोग तो डरे हुए हैं, अरे भाई, तो घर में ही तो घर का भेदी लंकट आए। घर के ही लोग है सर, जो लगाए हैं ना वो सब घर के ही लोग है। सबसे पहले घर साफ करो बॉस, घर में कहीं पड़ा हुआ कुछ, गारंटी है। हाँ होगा सर, मैं ये नहीं बोलता हूँ। कभी सर हम लोग है ना उसी चीज से डरे हुए हैं कि वो लेके गई है, और वो लेके गई है और अभी है ना उसी को तांत्रिक को लगा रखा है हमारे पीछे, रोज करवा रही है रोज। अभी होली चल रही है ना, आज 15 दिन से सर बहुत हालत खराब है। सबसे पहले नमक है ना, नमक हाँ सेंधा नमक लेके आओ, या फिर समुद्री नमक लेके आओ, सबको थोड़ा थोड़ा, जैसे 100-100 ग्राम का एक वो बनाओ, पुड़िया बनाओ, कागज का पुड़िया, और घर में जितने कोने हैं सब कोने में एक एक पुड़िया डाल दो पहले, सर, ओपन रखना है क्या? अच्छा नहीं, पुड़िया बनाना, पुड़िया गोल गोल पुड़िया बना देना, हर कोने में डालो सबसे पहले, ठीक है? हर कोने में डालने के बाद गंगा जल से छिड़काव करना है, अच्छा ये मिलेगा आपके पास, ईंट का, ईंट जो हम लोग ये यूज करते हैं, ब्रिक्स होता है ईंट जिसको बोलते हैं हम लोग, हाँ सर, मिल जाएगी चूरन ब्रिक, ब्रिक का चूर्ण चाहिए, चूर्ण चूर्ण, पाउडर। हाँ पाउडर, हाँ, तो ब्रिक को छोटा सा टुकड़ा लेके उसको रगड़ के चूरन वैसे ही बन जाता है, ऐसे जमीन पर रगड़ोगे तो चूरन बन जाता है। चूरन बना के उसको अपने घर का जो चौखट है जिधर से घुस रहे हैं वहां पर एक लक्ष्मण रेखा बना देना, सीधा स्ट्रेट, और एक लोहे का कील लेकर अपने घर के चौखट में दोनों साइड में ठोक देना, नीचे जो चौखट का जो नीचे वाला हिस्सा ना जहां पे एंड हो रहा है, दो कील लेकर ठोक देना, दिस इज टू ब्लॉक एनी नेगेटिव एनर्जी, एनीथिंग, बाहर रुक जाएगा वो, सर, ठीक मैं है? है ना पतंजलि की पूजा कर रहा हूँ 2014 से, लेकिन अच्छा, सर उतना रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है सर, मुझे जानने दे पतंजलि अरे सर आप, आप। मैंने अभी अभी आपको क्या बोला, रिमोट कंट्रोल लेके गए ना, या तो आपके घर में कहीं रिमोट कंट्रोल पड़ा हुआ है उसको हटाना अच्छा पड़ेगा, गारंटी पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ पड़ा ही रहता है, ये ऐसे ही काम करता है, नहीं तो एक आदमी चलते हुए गिरता नहीं है, आंखें खराब नहीं होते, इसको उच्चाटन बोलते हैं।
इसको मारन भी नहीं बोलते, मारन मतलब एक बार में उड़ा देना, उच्चाटन मतलब तड़पाना, उसकी एनर्जी को स्थिर करना, अस्थिर मतलब इतना ज्यादा स्थिर कर देना कि इंसान बहुत मतलब अंदर से चिढ़ा हुआ रहे हमेशा। तो ये सब कर लो पहले, पहले घर की सफाई करो बस, वो निकलेगा कुछ ना कुछ। नींबू तो तकलीफ है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे बगल में भाई रहता है बड़ा, वो भी इस खेल में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, जिस मकान में मैं रहता हूँ उसका डिस्प्यूट चल रहा है। और मेरी वाइफ से, वाइफ को 3 करोड़ मिलना था वसीयत में, उसके पिताजी लिख के गए थे, तो उन लोगों ने, भाइयों ने उनसे साइन करवा लिया धोखे से, और वो प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई लड़ रही है। हालांकि हम लोग साइन करके दे चुके हैं, 3 करोड़ छोड़ चुके हैं हम लोग कि भाई हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमको जीने तो दो। दोनों जगह सर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। हाँ उधर का तो हमने साइन कर दिया, जो ससुराल वालों का, तो उसमें साइन कर दिया कि हमको नहीं चाहिए। अभी इसका भी हम लोग ने कैश दे दिया, 70 लाख दे दिया है। एक काम करो, सबके घर में जितने मेंबर है ना, सबके ऊपर से 500-500 का नोट लेकर एक एक आदमी के ऊपर से ऐसा उतारा करते ना हम लोग शादी के टाइम पे, ये सबका सबके सर से एक एक नोट उतारा करो और ले जाके दान पेटी में डाल दो मंदिर में। अच्छा। पहला काम करो, पहले ये काम करो, ठीक है? क्योंकि अभी जमीन दान देने का जगह नहीं है। अगर आप कहीं भी ऐसी जगह पर आप एक प्रॉपर्टी खरीद के या छोटा सा टुकड़ा बना के या मंदिर बनाने के लिए कहीं पे दान दे सकते हैं, तो ये एक पॉसिबल है कि घर वाला डिस्प्यूट क्लियर हो, या फिर आपको जो मैंने अभी प्रोसेस बताया ऐसा करके उतारा करके मंदिर में देना, ताकि मंदिर के कामकाज में वो पैसा यूज हो जाए तो भी चलेगा। आज होली का त्योहार है लेकिन दिमाग में तनाव बना हुआ है कि आज होगा, बना रहेगा। इसलिए मैंने आपको जो उपाय बताया ना, ये करो, देखना बहुत बहुत प्रोटेक्शन लगेगा, शांति लगेगा। मेरे को कल ही ऐसा फील आया, पता नहीं क्यों, वो होता है ना, वो क्या होता है, हम लोग आदमी लोगों को देख देख के हम लोग को एक आभास हो जाता है, एक इंट्यूशन रेडी हो जाता है कि आदमी बहुत परेशान है, इसके पीछे कुछ गड़बड़ है, इसकी शक्ल में गड़बड़ नहीं, बहुत गड़बड़ है। ठीक है, तो अच्छा, जिन लोगों ने अभी लाइव देखा, अभी जो है लाइव में, ये शत्रुहंता वाला लिख लेना, ये तो वैसे मैंने कोर्स में था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, सबके लिए है, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन है ये। और आप लोग, हमको भी पूछा था कि जो वो कपड़े चुरा के ले गई है मेरे लड़के के, तो सर उसका अभी कैसे बचाएं हम लोग उसको? ये जो 500 रुपए वाला नोट वाला बोला आपको, ये करो। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले घर को साफ करो, क्योंकि वहीं पर रिमोट कंट्रोल वो लोग रख के गए, कहीं पर तो वो पड़ा हुआ है, तभी एक्शन हो रहा है। ठीक है, ये कर दो, देखना बहुत, आज होली है, आज और कल थोड़ा शांति से जाएगा, दिमाग से थोड़ा उतरेगा। जी सर, सुबह से पूजा ही चल रही है सर। बस बस कुछ कर नहीं सकते, वही पूजा पाठ ही प्रोटेक्शन है, क्योंकि चारों तरफ से जब घेरता आदमी तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही हो जाता है, बेचारा बना जाता है बिना कोई चारे का। सर कितनी बार वार करना है? कौन सा वाला, कितनी बार करना है? कितनी बार ऐसे वार करना है? 7 टाइम। एंटी क्लॉकवाइज। जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी को हम लोग उतारते हैं एंटी क्लॉकवाइज।